सत्यमेव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ योगिता शर्मा। और इस वक्त की खास खबर आ रही है जालौर से, जहाँ भवरानी गांव के लोग बरसों से तालाब का पानी पीने को मजबूर है। कहने को तो अक्सर यही कहा जाता है और सुना जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन वास्तव में उन लोगों के लिए ऐसा कहना मुश्किल होगा जो लोग पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किस तरह जलदाय विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल हम बात कर रहे हैं आहोर तहसील के भवरानी गांव की, जहां पर लोग कई सालों से तालाब का पानी पीने को मजबूर है। गांव के ग्रामीणों ने पिछले कई सालों से संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस जल संकट के बारे में अवगत करवाया है, लेकिन इस ओर आज दिन तक कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और इस गांव के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजने की वजह से पानी लाने के लिए तालाब पर अपने साथ ही लेकर जाते हैं। ऐसे में गरीब लोग करे तो क्या करे, आखिर उन लोगों के पास इतना रुपया कहाँ है जो हर रोज पानी के टैंकर मंगवा सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। और अब वर्तमान में आलम यह है कि ग्रामीणों को मजबूरन पीने का पानी आहोर और आसपास से 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राशि खर्च कर पेयजल टैंकरों से मंगवाना पड़ रहा है और तालाबों में से टैंकर भर भर कर ले जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पेयजल समस्या के साथ आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। पेयजल समस्या के समाधान के लिए पूर्व में कई बार ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक समाधान ही नहीं हो पाया है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।